लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद देश भर में सियासी दंगल शुरू हो चुका है। चुनाव के लिए कांग्रेस ने उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल समेत 17 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम है। लिस्ट में आंध्र प्रदेश की 5 सीट, बिहार की 3, उड़ीसा की 8 और पश्चिम बंगाल की 1 सीट है। बिहार के किशनगंज से मोहम्मद जावेद, कटिहार से तारिक अनवर, भागलपुर से अजीत शर्मा, उड़ीसा के बारगढ़ से संजय भोई, सुंदरगढ़ से जनार्दन बोलांगीर से मनोज मिश्रा और कालाहांडी से द्रौपदी मांझी, कांत मल और अमीर चंद नायक बेरमपुर से उम्मीदवार बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग सीट से मुनीश तमांग को उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि इस लिस्ट के साथ ही कांग्रेस अब तक 231 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर चुकी है। पश्चिम बंगाल में लड़ाई खास तौर पर बेहद दिलचस्प है, क्योंकि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने राज्य की सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। दार्जिलिंग लोकसभा सीट से जिस मुनीश तमांग को मैदान में उतारा गया है, वे उत्तर बंगला के पहाड़ी क्षेत्रों में खासा चर्चित नेता है। भारतीय गोरखा परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनीश तमांग गोरखालैंड आंदोलन का हिस्सा भी रहे हैं। वह 4 दिन पहले 28 मार्च को ही कांग्रेस में शामिल हुए थे। दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता लेने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं समग्र भारत को लेकर आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस में शामिल हुआ हूँ। बीते कई सालों से हमारे गोरखा समुदाय ने बीजेपी को समय दिया, लेकिन उसके बदले हमारे समुदाय को धोखे के अलावा और कुछ नहीं मिला। इस क्षेत्र में वह बीजेपी के सहयोगी के तौर पर जाने जाते थे और अब वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। तो यहाँ से मौजूदा सांसद राजू बिष्ट से उनकी सीधी टक्कर होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।